इज फॉर एप्पल एप्पल। बी इज फॉर बॉल ब ब बॉल। सी इज फॉर कैट क क कैट। हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर चिल्ड्रन, टुडे वंस अगेन आई एम हियर विद एन अनदर एक्साइटिंग वीडियो। टुडेज वीडियो आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट फोनिक्स। अंडरस्टैंडिंग फोनिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर रीडिंग, बिकॉज जब आप और हम पढ़ा करते थे तो हमें कैसे पढ़ाया जाता था, ए इज फॉर एप्पल, बी इज फॉर बॉल। बट अभी जो है स्टडी पैटर्न कम्प्लीटली चेंज हो चुका है। अभी जो है सबसे पहले बच्चों को फोनिक्स इंट्रोड्यूस कराया जाता है, हर एक लेटर का साउंड होता है। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि फोनिक्स क्या है और इसका ओरिजिन कहाँ से हुआ है। फोनिक्स शब्द बना है फोन से। फोन एक ग्रीक वर्ड है, इट मीन्स फोनिक कम्स फ्रॉम द ग्रीक वर्ड फोन फॉर साउंड। फोनिक्स इज अ वे ऑफ टीचिंग फॉर बिगनिंग रीडर्स टू मैच लेटर एंड साउंड। सो बच्चों को फोनिक्स सिखाना बहुत ही ज़रूरी है। एक इम्पॉर्टेंट चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगी, हिंदी वर्णमाला को टू पार्ट में बांटा गया है, एक स्वर और दूसरा व्यंजन। ऐसे ही इंग्लिश के लेटर्स को भी टू पार्ट में बांटा गया है, वॉवल एंड कॉन्सोनेंट। जो हिंदी में स्वर होते हैं वे हमेशा पूरे लिखे जाते हैं, लेकिन जो व्यंजन होते हैं वे कभी भी पूरे नहीं लिखे जाते। अगर मान लीजिए कोई व्यंजन पूरा लिखा हुआ है लाइक ब, तो इसका मतलब इसमें कोई ना कोई स्वर छिपा होता है। हर व्यंजन में अगर वो पूरा लिखा हुआ है तो उसमें कोई ना कोई स्वर छिपा होता है। तो इंग्लिश में लेकिन ऐसा नहीं होता। इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट होते हैं उनका शॉर्ट साउंड ही प्रोनाउंस किया जाता है। मान लीजिए मैंने लिखा है यहाँ पर बी, तो बी का साउंड होगा ब, तो इसे हम प्रोनाउंस करेंगे ब। सी क, तो इंग्लिश में जो कॉन्सोनेंट्स होते हैं उनका शॉर्ट साउंड ही जो है प्रोनाउंस किया जाता है। तो अब हम एवरी लेटर के फोनिक साउंड को देखेंगे, बट आज के इस वीडियो में हम ओनली फोर लेटर को समझेंगे। सबसे पहले हम लेटर आता है लेटर ए, उसके लिए हम बच्चे को एक स्टोरी सुना सकते हैं, क्योंकि क्या होता है कि बच्चों को स्टोरी सुनने में बहुत इंटरेस्ट आता है, और किस कोई भी चीज़ को अगर हम स्टोरी के थ्रू बच्चे को एक्सप्लेन करते हैं तो बच्चा उस चीज़ को जल्दी कैच कर लेता है। सबसे पहला लेटर आता है हमारा लेटर ए। ए का साउंड होता है ए। इसमें जो है माउथ को पूरा ओपन करना होता है, ए, ठीक है। अब इसके लिए हम स्टोरी बच्चों को सुना सकते हैं। ए एना नाम की एक लड़की है और वह अपनी फ्रेंड एडी के साथ पिकनिक पर गई। पिकनिक पर गई, वहाँ पर वो खाने पीने का सामान ले गई, एप्पल ले गई, एप्पल जूस ले गई। वहाँ पिकनिक मैट बिछाई, पिकनिक मैट पर उन्होंने खाने पीने का सामान रखा। थोड़ी देर में स्काई में उन्होंने एरोप्लेन भी देखा। थोड़ी देर में एना को अपने हैंड में ईचिंग होने लगी, तो एना ने अपनी फ्रेंड एडी से पूछा, क्या एडी आपको भी अपने हैंड में ईचिंग हो रही है? तो एडी बोली कि हाँ मुझे भी हो रही है। तो उन्होंने ध्यान से देखा कि उनके खाने पीने की चीज़ पर एंट आ गई थी, और वो एंट भी जो है इनके हैंड पर भी चढ़ गई थी। तो वो एंट कैसे चढ़ रही थी हैंड पर? इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है। तो एंट का ए फॉर एप्पल जो होता है उसका साउंड होता है ए, और हम उसका एक्शन क्या बता सकते हैं बच्चों को? एप्पल, एंट, ओके। चलिए अब हम लेटर ए को और अच्छे से समझते हैं। ए फॉर एप्पल, ए फॉर एंट, ए फॉर एरो, ए फॉर एलिगेटर, ए ओके। तो लेटर ए का साउंड इस तरीके से आप बच्चे को बता सकते हैं। नेक्स्ट लेटर आता है हमारा लेटर बी, और इसका साउंड होता है ब। बच्चा बैट बॉल खेलता है तो वो इस तरीके से हिट करता है, तो हम लेटर बी का जो साउंड है ब, उसका एक्शन हम इस तरीके से बताएंगे, ब ब। बी फॉर बॉल, बी फॉर बैट, ब ब ब ब ब ब। B for balloon, B for bell, b b b b b b, ओके। तो इस तरीके से आप लेटर A और लेटर B का साउंड जो है बच्चों को एक्सप्लेन कर सकते हैं, ओके। नेक्स्ट लेटर आता है हमारा लेटर C, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर C? यस, क क क, ओके। C के टू साउंड्स होते हैं, क एंड स, ओके। लेकिन इनिशियल लेवल पर हम जो है बच्चों को सिर्फ एक ही साउंड इंट्रोड्यूस करते हैं, सी सेज क, और इसका एक्शन हम बच्चों को बता सकते हैं, क क क।
ओके, सी फॉर कैट, सी फॉर कार, क क क क क क, सी फॉर केक, सी फॉर कप, क क क क क क। ओके, नेक्स्ट लेटर आता है हमारा लेटर डी, एंड व्हाट इज द साउंड ऑफ लेटर डी? यस, ड ड ड ड ड ड। और इसका हम जो एक्शन बच्चों को बता सकते हैं, ड ड ड, ड्रम पर जब बीट करते हैं तो इस तरीके से करते हैं ना, लाइक दिस, ड ड ड। ओके, तो डी फॉर ड्रम, डी फॉर डॉग, ड ड ड ड ड ड, डी फॉर डक, डी फॉर डॉट, ड ड ड ड ड ड। ओके, तो आज हमने फोर लेटर और उनके साउंड को समझा है। अब जल्दी से हम चारों लेटर्स को एक बार रिवाइज कर लेते हैं उनके एक्शन के साथ में। ए इज फॉर एप्पल, ए एप्पल। बी इज फॉर बॉल, ब ब बॉल। सी इज फॉर कैट, क क कैट। डी इज फॉर डॉग, ड ड डॉग। ओके, नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट फोर लेटर और उनके साउंड को हम डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए ये फोर लेटर्स आप बच्चों को घर पर रिवाइज कराइए। सो टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।